Hello students, today I am here with the live session for you all. I have provided the link to you. So in this chapter I will tell you about data handling. हम लोग यहाँ पे data handling के बारे में बात करेंगे, जैसे कि दो chapter हमने पढ़ा दिए हैं पहले. And data handling में सबसे पहले हम लोग देखेंगे what is data. नाम देखेंगे सबसे पहले data. Data अगर general language में देखा जाए तो what is data? Data is the collection of facts and figures. क्या होता है? एक तरह से collection होता है बहुत सारे इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो उसको क्या बोलते हैं? डेटा. और मैथमेटिक्स में डेटा को क्या बोलेंगे? इट इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल. ऐसे ही क्या होता है? ये होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स का कलेक्शन. तो देखेंगे व्हाट इज डेटा. डेटा होता है हमारा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स. यू कैन आस्क योर क्वेरीज बाय कमेंटिंग इन कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व देयर. अब देखिए, सबसे पहले हमने देखा डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स. एग्जाम्पल ले सकते हैं द एज ऑफ 16 स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, या द हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स मींस, या नेम ऑफ 20 बॉयज इन आवर क्लास. तो ये सब क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ डेटा हो जाएगा. एंड अब इसमें एक और चीज आती है, रॉ डेटा. रॉ डेटा का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा इन ओरिजिनल फॉर्म. कलेक्शन मींस डेटा इन ओरिजिनल फॉर्म मींस द डेटा विच इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्स. जैसा कि डेटा हम लोग को डायरेक्ट ओरिजिनल सोर्स से जो प्रोवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं रॉ डेटा. डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? रॉ डेटा. सबको समझ में आ गया डेटा क्या होता है और रॉ डेटा क्या होता है? तो एग्जाम्पल हमने मान लीजिए लिया द हाइट ऑफ 20 बॉयज, 20 बॉयज ऑफ क्लास 7th आर. 20 बॉयज की हमने यहाँ पे हाइट ले ली क्लास 7th के, और हाइट हमारी है इन सेंटीमीटर. बॉयज ऑफ क्लास 7th इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर. तो ये हमारी हाइट है 152 सेंटीमीटर, 141 सेंटीमीटर, 129 सेंटीमीटर, 132, ये सब सेंटीमीटर में है. फिर 129 सेंटीमीटर, 141 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. तो ये हमने मान ली एग्जांपल 20 बॉयज की हाइट ले ली है. अब यहाँ पे हम लोग को बताना है कि ये जो नंबर्स लिखे हैं ये क्या है. ये जो नंबर्स लिखे हैं इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन. क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन. ये एग्जाम्पल हमारा डेटा का है एंड दिस नंबर्स आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. तो द डेटा विच इज ऑब्जर्व मीन्स, मतलब ये जो नंबर्स हैं इनको हम लोग ऑब्जर्व कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशन. अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन में कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है. फ्रीक्वेंसी जैसे देखिए 129 कितने बच्चों की एज है? दो बच्चों की एज है. तो 129 टू स्टूडेंट्स की एज है. तो यहाँ पे टू क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी. मीन्स फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी is the number of times an observation occurs. यानी कोई भी observation कितने बार आ रही है उसको क्या बोलेंगे? That is frequency. तो ये सबने समझ लिया data क्या होता है, raw data क्या होता है and frequency क्या होती है. अब हम बताएंगे कि data जो होता है वो सबसे पहले हमारे पास मान लिए data ऐसी raw data आ गया, उसको हम लोग arrange करते हैं. Arrange भी करते हैं किस form में? एक तो करते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, मींस जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको सबसे लास्ट में, और हम लोग और अच्छे से उसको प्रेजेंट करने के लिए टैबुलर फॉर्म में करते हैं. तो उसको बोलते हैं टैबुलेशन ऑफ डेटा. तो इसको भी ध्यान से देखेंगे, टैबुलेशन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज करना, उसको बोलते हैं टैबुलेशन ऑफ डेटा, अरेंजिंग डेटा इन टैबुलर फॉर्म. तो यहां लिख देते हैं अरेंजिंग डेटा इन
टेबुलर फॉर्म, सबको क्लियरली व्यू हो रहा होगा। एंड अपने कमेंट हम हमारे में कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम उसका रिप्लाई कर देंगे इजिली। तो अरेंजिंग डेटा इन टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डेटा। अब इसमें एक और चीज आती है, मान लीजिए हमने टेबल बना ली, तो बहुत सारे डेटा की टेबल बनाना पॉसिबल नहीं होता है। मान लीजिए 100 आ गया तो 100 की टेबल कहां से बनाएंगे, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एरे का यूज करते हैं। एरे, एरे क्या होता है, देखिए नाम में यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, एरे में ए डबल आर लिखा हुआ है, यहीं से याद कर सकते हैं। अरेंजिंग द डेटा क्या हो जाएगा, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। टेबुलेशन क्या होता है, टेबुलेशन मतलब कि डेटा को अरेंज करना एक टेबुलर वे में, एंड एरे मींस होता है अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक बात और आती है, रेंज। रेंज क्या होती है, किसी भी डेटा, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया था द हाइट ऑफ 20 बॉयज ऑफ क्लास 7, और इसमें हमको रेंज निकालनी। तो रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। ऐसा बच्चा जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है माइनस ऐसा बच्चा जिसकी हाइट सबसे कम है, दैट इज रेंज ऑफ डेटा। रेंज इसका मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑब्जर्वेशन, मिनिमम ऑब्जर्वेशन। यानी कि जैसे हमको यहाँ पे रेंज निकालनी थी, तो इतने में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे बड़ी हाइट किसकी है, 152 सेंटीमीटर सबसे बड़ी हाइट है, और सबसे छोटी हाइट कितनी है, सबसे छोटी हाइट हमारी यहाँ पे होगी 125 सेंटीमीटर। तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, 152 माइनस 125 हमारी रेंज आ जाएगी, मीन्स वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। तो क्लियर हो गया होगा सबको रेंज क्या होती है। अब इस चैप्टर में हमको मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ना है, तो पहले हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कैसे हम लोग डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं और कैसे हम लोग उसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं। तो देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो जनरल डेफिनेशन थी, पहले सबने पढ़ी ली होगी पिछले क्लास में, डेटा रॉ डेटा ये सब पहले पढ़ा ही होगा। अब बात करते हैं एग्जांपल की। तो एग्जांपल हम यहां पे लेंगे, गिवन बिलो आर द हाइट ऑफ 16 गर्ल्स इन अ क्लास, गिवन आर द हाइट ऑफ 16 गर्ल्स ऑफ क्लास। तो हमको 16 गर्ल्स की क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है, और हमको यहां क्या करना है, मान लीजिए हाइट हमारी यहां पे दी है 154, उसके बाद दी है 150, फिर हमको दी है 150 हमको दिया है 152, 154 एंड और हमको दिया 154, 150, 154, 150। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नहीं, ये एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है। 150, 148, 152, 148, 152 एंड फिर 152, थ्री टाइम्स है 152, 152, ये हो गया। अब 154, 152, 152, 154, 152 एंड 152। देखें पहले कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, अब दो और बचे हुए हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 154 एंड 150, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 1, 10, 10, 3, 13, 2, 15, और एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा 152 लटका लेते हैं, ये हो गया हमारा 16। तो टोटल हाइट हो गई सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिख देंगे इन सेंटीमीटर। अब हमको इसमें करना क्या है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल। हमको सबसे पहला काम क्या करना है, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल यानी एक टेबुलर फॉर्म में भी अरेंज करना है, दोनों यहां पे लगेंगे। ये जो हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज दिखाई दे रही है, एक तरह से क्या है, डेटा है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, और इसी डेटा को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, जैसा हम पहले बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और अरेंजिंग, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर,
तो देखिए क्या हो जाएगा, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे स्मॉल हाइट हमारी कितनी है, सबसे स्मॉल हाइट हमारी यहाँ पे दिखाई दे रही है, सबसे स्मॉल हाइट हमारी हो जाएगी 148। क्या हो जाएगी 148, इससे छोटा तो कोई है नहीं। अगर कोई गलती हो गई तो आप कमेंट कर सकते हैं 148। अब 148 कितने बार आया है, सिर्फ एक ही बार आया हमको लग रहा है, ठीक है। और इसके बाद सेकंड जो हमारी हाइट है वो हमारी हाइट है 150, एंड 150 हम लोग यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। 150 वन टाइम्स है, टू टाइम्स है, एंड थ्री टाइम्स है। 150 कितने टाइम्स आ रहा है, थ्री टाइम्स, वन टू एंड थ्री, ये हो गया। अब इसके बाद 150 हो गया, उसके बाद हम लोग आते हैं 152 में। 152 है 1 2 3 4 5 6, सेवन टाइम्स है 152। तो सबसे ज्यादा टाइम्स है 152, 1 2 3 4 5 6, और ये सेवन टाइम्स हमारा क्या है, 152 है। अब 152 भी हो गया, इसके बाद हमारा क्या आता है, 154 आता है डायरेक्ट। तो मीन्स 1 2 3 4 5 5 टाइम्स है, मीन्स 154 154 154 154 एंड 154, ये फाइव टाइम्स है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे साइन लगा कर लेते हैं कि क्लियर हो जाए कौन सा डेटा हमने लिखा है, कौन सा डेटा नहीं लिखा है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेंगे कि हमारे 16 है कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ये हमारा क्या हो गया, ये अरेंज हो गया, मीन्स डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एरे के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमको करना है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, सेकेंड पार्ट है दैट इज टेबल, टेबलर फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पे टेबल बनानी पड़ेगी। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी टेबल हो गई। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या था, हाइट इन सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, हाइट इन सेंटीमीटर, क्लियर है कि कितनी हाइट है हमारी। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स से बहुत इजी हो जाता है फ्रीक्वेंसी लिखना। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स या फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ गर्ल्स, और इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो सबने यहाँ पे देखा होगा कि हाइट इन सेंटीमीटर मतलब कि हाइट हमारी कौन कौन सी आ रही है असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे भी हम लोग अरेंज करेंगे, पहली हाइट हमारी हो जाएगी 148, मीन्स 148 हो गई। दूसरी हाइट हमारी हो जाएगी 150, ये हो गई। थर्ड हाइट हमारी हो जाएगी 152, मींस 152 हो गई। एंड फोर्थ हमारी कितनी हो जाएगी, 154, ये हो गई। अब देखिए 148 कितने गर्ल्स की हाइट है, यानी 148 में सिर्फ वन गर्ल आ रही है, तो वन गर्ल उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और टैली मार्क्स से वन को क्या लिखते हैं कि स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देते हैं, ये हमारा हो जाता है वन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी वन, क्लियर है। अब सेकेंड 150, तो 150 में कितने गर्ल्स हैं, 1 2 एंड 3, यानी 3 कैसे बनाते हैं टैली मार्क्स से, 1 2 3, तो ये हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी 3। अब इसके बाद सॉरी 150 में 3 हो गए, हाँ ठीक है, 152 में 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी है 7, 7 देखिएगा कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7। अच्छा ये जो 5 बनाया इसको कट करने में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ऐसे कट करें कि ऐसे कट कर रहे हैं, हम लोग दोनों तरह से कट कर सकते हैं, ऐसे कट कर रहे हैं तो भी सही है और इधर से कट कर रहे हैं तो भी हमारा सही है। 154 मीन्स 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, मीन्स 1 2 3 4 एंड 5, पर एक क्वेश्चन में अगर ऐसे किया है तो पूरे क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही कट करेंगे, दोनों में कहीं ऐसे और ऐसे मत कर दीजिएगा, दोनों में एक तरह से कटिंग होनी चाहिए। तो 5 ही हो गया। अब आंसर चेक कर लेंगे हम लोग, टोटल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, टोटल कितना आ रहा है, 16 आना चाहिए, 7 प्लस 3 10 10 प्लस 1 11 5 16, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये देखिए था हमारा अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, और ये हमारी क्या था, टेबुलर फॉर्म में डेटा को हमने कैसे अरेंज किया। अब बढ़ते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि मीन कैसे निकालते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों कहलाते हैं हमारे सेंट्रल टेंडेंसी, और हम लोग को सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ना भी है। तो देखिएगा मीन कैसे निकालते हैं,
और रेंज सबको पता ही है, रेंज होता है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मीन, यहाँ पे मीन हमारा टॉपिक है, मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, उसके बाद मीन इन टेबुलर डेटा, दोनों हम लोग पढ़ेंगे। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, देखिए मीन क्या होता है, मीन एक तरह से होता है एवरेज। हम लोग को जैसे पता है, हम लोग के मान लीजिए 10 में से 8 मार्क्स आए फर्स्ट टेस्ट में, दूसरा आ गया हम लोग के 10 में से 6 और थर्ड टेस्ट में आ गए 10 में से 4, तो हम लोग का तीनों टेस्ट का जो एक एवरेज होता है उसी को क्या बोलते हैं, मीन मार्क्स बोलते हैं। तो मीन को हम लोग बोल सकते हैं एवरेज, एवरेज, क्लियर है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से, और ये होता क्या है, ये होता है सम ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो सीधा सीधा है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, दैट इज कॉल्ड मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अब इसे हम बताते हैं क्वेश्चन लेके कैसे हम लोग अनग्रुप डेटा का मीन निकालते हैं, उसके बाद बताएंगे मीन इन टेबुलर फॉर्म कैसे निकालते हैं। तो देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स, फाइंड द मीन ऑफ, हम लोग यहाँ पे फाइव नेचुरल नंबर, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर ले रहे हैं, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, तो इससे वहां नेचुरल नंबर ही पता चल जाएंगे। फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर का मीन निकालना है, तो फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमको पता होने चाहिए, दैट इज फाइव, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, ये क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यही होते हैं काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर होते हैं। और मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं आप पूरा लिखेंगे, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड इसका आंसर क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है, 5, तो ये हो गया 5, यानी यहां से हमारा मीन क्या आ जाएगा, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 = 14 + 1 = 15, 15 / 5 यानी आंसर हमारा आ जाएगा 3। तो ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया 3। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमको रेंज निकालनी होती तो क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो अगर देखें इसी क्वेश्चन में रेंज, तो हो जाएगी मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो ये हमारी रेंज आ जाएगी यहां से 5 - 1 = 4, ये हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। हम देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं एंड सबको समझ में आ ही रहा होगा। अब बात करते हैं कि मीन हम लोग टेबुलर फॉर्म में कैसे निकालते हैं, और इसके हम क्वेश्चंस देंगे, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एनसीईआरटी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं अभी। अब देखिए, मीन इन टेबुलर फॉर्म, और मीन निकालते समय हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, वो हम लोग को मीडियन में जरूरत पड़ती है। तो मीन ऑफ टैबुलेटेड डेटा एग्जांपल लेंगे, मीन ऑफ टैबुलेटेड डेटा, टैबुलेटेड डेटा यानी कि हम लोग को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है। तो एग्जांपल लेंगे, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 12 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, द फॉलोइंग टेबल shows the weight of 12 workers in a factory। ये हमको दिया हुआ है, एक टेबल हमको बनी हुई है और यहां पे देख सकते हैं वेट इन किलोग्राम, ये हमने यहां पे टेबल बना दी, तो सबको क्लियर होगा यहां तक, देखिएगा बहुत ध्यान से, ये हमारा है वेट इन किलोग्राम, वेट इन किलोग्राम, और दूसरा हमारा क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ वर्कर्स, किसी चीज का नंबर जो होता है वो हमारी होती है फ्रीक्वेंसी, सबने पढ़ी लिया होगा। वेट हमको दिया है 60 एंड 60 वेट के नंबर ऑफ वर्कर्स है 4, उसके बाद हमारा जो वेट दिया हुआ है वो हमारा दिया है 63 एंड नंबर ऑफ वर्कर्स है 3, क्लियर है। इसके बाद 66 पे 2 है, 66 पे 2 वर्कर्स हैं, 69 पे 2 है, 72 पे 1 है, 69 पे 2 है, 72 पे 1 वर्कर है, तो सबको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं टेबुलर फॉर्म में और बनाते हैं इसका, निकालते हैं इसका मीन, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मीन्स सॉल्यूशन, तो
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेबल हमने बना ली, होप करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा कैसे इसके क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले वेट, फ्रीक्वेंसी, और वहां पे हमारा कैलकुलेशन होगा। तो वेट को हम लोग यहाँ पे एक्स मानते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ मानते हैं। तो वेट, वेट को डिनोट करते हैं एक्स आई से, या एक्स मान सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारी होती है एफ आई। और थर्ड जो ब्लॉक होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, मीन्स एफ आई इंटू एक्स आई। क्लियर है? इन दो, क्योंकि क्योंकि 60 वेट वाले चार वर्ग है, 60 इंटू 4 240, तभी तो हमारा डेटा आएगा। मीन्स वेट हमारा 60 है 4 का, 63 है 3 का, 66 है 2 का, 69 है 2 का, और 72 है 1 का। तो सबसे पहले एफ आई एक्स आई निकाल देंगे। 60 इंटू 4 240 आ गया, 63 इंटू 3 देखेंगे तो आ जाएगा 189, उसके बाद 66 इंटू 2 करेंगे तो 132 आ जाएगा, 132, एंड 69 इंटू 2 करेंगे तो 138 आ जाएगा, एंड 72 इंटू 1 करेंगे तो डायरेक्ट हमारा 72 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, अपने आप से करिए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो सही है, 240 प्लस 189 प्लस 32, 132 प्लस 138 प्लस 72। तो जल्दी से करिए इसको, चलिए हम कर देते हैं, 771 इसका आंसर आ जाएगा, 771। एंड टोटल जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, द फॉलोइंग टेस्ट शोस दैट 12 वर्कर्स, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 3 12, तो ये 12 आ गया, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया और सिग्मा एफ आ गया। और यहाँ पे टैबुलेटेड डेटा में हमारा जो फॉर्मूला होता है मीन का, वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि जो एफ और एक्स मीन्स फ्रीक्वेंसी इनटू जो यहाँ पे डेटा दिया है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और पूरी इसका टेबल का एडिशन, वो होता है एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, यानी कि ये हमारा इधर ही निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला लगता है टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे 60 वेट के जो वर्कर है उनके नंबर ऑफ वर्कर्स चार दिए हैं, तो पहले हम लोग को यहाँ पे टेबल में अरेंज करना पड़ता है। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई जो हमारा यहाँ पे सम आया, दैट इज 771, एंड सिग्मा एफ आई यानी जो टोटल फ्रीक्वेंसी आई है दैट इज 12। अब इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कितने टाइम जाएगा 12, कमेंट करके बताइए कितने टाइम जाएगा। 12, 5 60, 12, 6 72, ठीक है। 51, दैट इज 71, 12, 4 48, ये हो गया पॉइंट, बचा 3, 12, 2 24 और 12, 5 60, 64.25, यही हमारा आंसर आएगा, यही हमारा आंसर आएगा, एक बार देख लीजिएगा। और ये किसमें आएगा, किलोग्राम किसमें आएगा, हमारा वेट ऑफ 12 वर्कर्स, तो आंसर हो जाएगा वेट ऑफ 12 वर्कर्स, मीन वेट होगा यहाँ पे, मीन वेट ऑफ 12 वर्कर्स इज 64.250 ग्राम, क्या हो जाएगा 64.250 ग्राम। तो अब नए सेशन में मिलेंगे विद अ लाइव प्रीमियर, एंड इन दैट आई विल डिस्कस अबाउट द मोड एंड मीडियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।